ओके ठीक है, ओके थैंक यू एवरीवन फॉर लेटिंग मी नो। तो अभी 24 लोग ज्वाइन हो चुके हैं और हर रोज हमारे क्लास में लगभग 40 के अराउंड पीपल रहते हैं, सो देयर आर स्टिल 16 पीपल येट टू ज्वाइन। ओके सो आपका वेबेक्स का और जियो मीट हो या फिर गो टू मीटिंग, ये दो तीन एप्लीकेशन बाकी है, ठीक है। सो मंगलम सर वो लेने वाले थे लेकिन उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसलिए आज का पूरा सेशन मैं कंटिन्यू करूंगा और आज के इस सेशन में हम देखेंगे गूगल क्रोम के एक्सटेंशंस, ठीक है। सो लोग ज्वाइन हो रहे हैं तो उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि आज आपने नोटिस किया होगा कि आपको इतनी दिक्कत नहीं हुई है मीटिंग एंटर करने में, क्योंकि मैंने आप सब लोगों के मेल आईडी जो है एज अ गेस्ट ऐड कर दिए थे, ठीक है। सो आपको डायरेक्टली ज्वाइन मीटिंग का ऑप्शन दिखाई दिया होगा, ठीक है। और आपको एक कंफर्मेशन का मेल भी आया होगा कि यू हैव बीन इन्वाइटेड फॉर दिस दिस पर्टिकुलर मीटिंग, ठीक है। जिनको मेल नहीं आया है आप अपना मेल चेक कीजिए, अगर आपको मेल नहीं आया है तो ग्रुप पे आप अपना प्लीज मेल आईडी डाल दीजिए, मैं आपका मेल आईडी एज अ गेस्ट ऐड कर दूंगा फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। सो देयर आर स्टिल 14 पीपल टू ज्वाइन, बट आई थिंक इट इज अ टाइम, सो वी शुड स्टार्ट नाउ। ओके पीपल आर स्टिल ज्वाइनिंग, लेट मी शो यू द स्क्रीन सो सो दैट यू विल सी इट, ठीक है। सो आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल एंड आई एम ऑडिबल टू, ठीक है। चलो तो आज हम देखने वाले हैं गूगल क्रोम के एक्सटेंशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटेंशंस की जरूरत क्या पड़ती है, व्हाई वी नीड एक्सटेंशंस, ठीक है। सो इस सवाल का जवाब अगर हमें ढूंढना है तो वी हैव टू टेक एन एग्जाम्पल। सपोज वी हैव अ मोबाइल फोन, ठीक है, लेकिन उसमें सिम कार्ड नहीं है एंड वी डोंट हैव वाईफाई कनेक्शन टू, स्टिल वी कैन यूज मोबाइल। ओके हम मोबाइल यूज कर सकते हैं लेकिन उतना इफेक्टिवली हम उस मोबाइल को यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमने उसमें सिम कार्ड डाल दिया या फिर हमने उसे वाईफाई से कनेक्ट कर लिया, सो वी आर नाउ कनेक्टेड टू इंटरनेट एंड वी कैन यूज द मोबाइल फोन मोर इफेक्टिवली देन द मोबाइल विदाउट इंटरनेट, ठीक है। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, द सिम कार्ड और द इंटरनेट कनेक्शन और द वाईफाई कनेक्शन इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन टू द मोबाइल, ठीक है। मतलब कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हमें एक्सेस करने की परमिशन देता है, क्या देता है परमिशन, इंटरनेट और वाईफाई। सो इसी तरह के एक्सटेंशंस जो है हमारे ये जो एप्लीकेशंस है, लाइक हमारा गूगल मीट एप्लीकेशन हुआ या फिर जितने कुछ एप्लीकेशन हम गूगल के यूज करने वाले हैं, तो उन सारे एप्लीकेशंस के लिए ढेर सारे एक्सटेंशंस अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। सो आज के इस लेक्चर में मैं ज्यादा एक्सटेंशंस के बारे में नहीं बात करूंगा, मैं सिर्फ तीन बेसिक एक्सटेंशंस के बारे में बात करूंगा, ठीक है। सो इनको डाउनलोड कैसे करना है, इनको यूज कैसे करना है, इन सब चीजों को हम डिटेल में अब पढ़ेंगे। सो आई होप व्हाट इज एक्सटेंशन एंड व्हाई वी नीड एक्सटेंशन, ये आपको थोड़ा सा क्लियरली आइडिया आ गया होगा, ठीक है। सो नाउ आई एम पॉइंटिंग टुवर्ड्स द स्क्रीन, यू कैन सी यहाँ पे आपको कुछ, सॉरी यहाँ पे आपको कुछ तीन एप्स दिख रहे होंगे, ठीक है। एक ब्लू कीबोर्ड टाइप है, उसके बाद में एक बीच में के सिंबल है और उसके लेफ्ट साइड में एक ग्रीन सिंबल है, ठीक है। सो दिस टैब इज फॉर एक्सटेंशंस, मतलब आपके गूगल क्रोम ब्राउजर में। मैं फिर से एक बार बता दूं कि यह जो हम सारे एक्सटेंशंस यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज ऑल दिस एक्सटेंशंस ऑन गूगल क्रोम ब्राउजर ओनली, ठीक है। द ब्राउजर दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय गूगल, दैट इज गूगल क्रोम। और ये सारे एक्सटेंशंस वर्क्स ऑन डेस्कटॉप साइट, मतलब हमें लैपटॉप या फिर पीसी की जरूरत पड़ती है इन एक्सटेंशंस को यूज करने के लिए। हम इन एक्सटेंशंस को
मोबाइल फोन पे यूज नहीं कर सकते, कुछ एक्सटेंशंस को यूज कर सकते हैं लेकिन नॉट ऑल ऑफ दिस, और सारे फीचर्स हमें वहां एक्सप्लोर करने के लिए नहीं मिलते हैं, ठीक है। सो दिस टैब इज फॉर एक्सटेंशंस, तो मैं अभी आपको क्लिक करके दिखाता हूं यहाँ पे क्या दिखाई देता है मुझे, देख लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट, माय फर्स्ट एक्सटेंशन इज गूगल इनपुट टूल्स, ठीक है, और फिर कोई ज्वाइन ज्वाइन हो रहा है, ओके। सो फर्स्ट एक्सटेंशन इज गूगल इनपुट टूल, सेकंड इज ग्रामरली फॉर क्रोम, एंड द थर्ड वन इज केमी एक्सटेंशन और अकामी एक्सटेंशन, आई रीड इट एज केमी एक्सटेंशन, ओके। सो दीज आर द बेसिक थ्री, और आई विल से बेसिक टू एक्सटेंशंस वी नीड, और दीज आर मस्ट एक्सटेंशंस। गूगल इनपुट टूल्स यूज होता है, सर इफ स्क्रीन इज नॉट विजिबल देन फाइंड माई प्रोफाइल इन द पीपल्स टैब एंड पिन ऑन माई प्रोफाइल, ओके। या सो देखिए, गूगल इनपुट टूल्स हमें किस किस लिए यूज होता है। मान लीजिए कि हमें कुछ मराठी का पेपर सेटअप करना है गूगल फॉर्म्स में, जो कि हम अगले सेशंस में डिस्कस करेंगे। अगर मेरी आवाज बीच में कटने लग जाती है तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, हाँ ओके। सो मान लीजिए कि हमें मराठी का पेपर वहां पे टाइप करना है या फिर हिंदी का पेपर टाइप करना है, लेकिन हमारा जो कीबोर्ड है वो कीबोर्ड इंग्लिश कीबोर्ड है, बराबर। सो मराठी टाइपिंग एंड इंग्लिश टाइपिंग इज वेरी मच डिफरेंट, इजंट इट। सो विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सटेंशन, गूगल इनपुट टूल्स एक्सटेंशन, हम इंग्लिश में टाइप करेंगे लेकिन वो टाइप होगा मराठी में। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, ये मराठी पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं गूगल में टाइप करूंगा MALA, दैट मीन्स वेट, ओके जस्ट गिव मी सेकेंड, ओके। तो यह जो एक्सटेंशन है इसका हम डेमो देखेंगे, अभी फर्स्ट डेमो वी विल सी दैट ऑफ केमी एक्सटेंशन। तो यह जो गूगल इनपुट वाला एक्सटेंशन है उसका मैं आपको अच्छे से डेमोन्स्ट्रेशन दे दूंगा, सिर्फ इतना समझ लीजिए कि इस एक्सटेंशन की मदद से हम टाइप करेंगे इंग्लिश में, लाइक अगर मुझे मला टाइप करना है तो हम टाइप करेंगे MLA, तो वो ऑटोमेटिकली टाइप कर देगा मराठी में म और ला, इस तरह से वो टाइप कर देगा, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट एक्सटेंशन। सेकेंड वन इज ग्रामरली फॉर क्रोम, मतलब अगर हम कोई इंपॉर्टेंट मेल लिख रहे हैं या फिर और कुछ पैराग्राफ वगैरह लिख रहे हैं तो उसमें जो कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है, जो बाय मिस्टेक होती है, जो कि हम हमारी नजरों से छूट जाती है, सो ऑल दिस मिस्टेक्स विल बी कॉट बाय दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन और दिस एक्सटेंशन, ठीक है। तो वो हमें सजेस्ट करेगा कि आपने यहाँ पे एक ग्रामेटिकल मिस्टेक की है, वुड यू लाइक टू करेक्ट इट, ठीक है। सो दिस एक्सटेंशन इज ऑप्शनल, इफ यू नीड इट देन यू कैन इंस्टॉल इट, अदरवाइज इट इज नॉट अ मस्ट एक्सटेंशन, ठीक है। उसके बाद में आता है सबसे इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन, दैट इज केमी एक्सटेंशन। तो इन सारे एक्सटेंशंस को किस तरह से डाउनलोड करते हैं यह हम देखेंगे, इफ पॉसिबल इन टूडेज क्लास एट द एंड ऑफ द क्लास और इन टुमारोज क्लास एट द स्टार्ट ऑफ क्लास, ठीक है। सो आई विल फर्स्ट इंट्रोड्यूस द फर्स्ट एक्सटेंशन, दैट इज केमी, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसको बंद कर देता हूँ और मैं यहाँ पे के पे क्लिक करूंगा। देखो यहाँ पे जैसे मैंने के पे अपना कर्सर ले गया मैं, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है केमी पीडीएफ एंड डॉक्यूमेंट एनोटेशन हैज एक्सेस टू दिस साइट, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सटेंशन ओपन हो गया, ठीक है। सो अभी इसका यूज हम किस तरह से कर सकते हैं, मान लीजिए कि हमें कुछ किताब से पढ़ाना है, ठीक है, लेकिन किताब पे हमें कुछ लिखना भी है, उनको कुछ अंडरलाइन करके बताना है, या फिर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि हमें हम करना चाहते हैं लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेस की वजह से वो कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो वो सारे रिसोर्सेस हमें, लगभग सारे रिसोर्सेस हमें ये केमी एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है। तो कौन से रिसोर्सेस है, कौन से टूल्स है जिनका कि हम यूज कर सकते हैं वह हम देखेंगे। अगर गलती से मैं थोड़ा सा फास्ट जाने लग जाऊं तो प्लीज लेट मी नो दैट आई एम गोइंग टू फास्ट, ओके। चलो ठीक है, सो यू कैन सी हियर द फर्स्ट टैब इज ओपन फ्रॉम गूगल। इस एक्सटेंशन को डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, दिस इज वेरी सिंपल पार्ट एंड आई विल टेक दैट, बट द एक्सटेंशन इज नाउ इंस्टॉल्ड इन माई पीसी, दैट्स वाई आई एम टेकिंग द डेमो फर्स्ट एंड देन आई विल टीच यू हाउ टू इंस्टॉल दिस एक्सटेंशन, ओके।
सो दिस फर्स्ट टैब इज ओपन फ्रॉम गूगल ड्राइव। मान लीजिए कि आपका कोई पीडीएफ है या फिर बुक है, कोई भी पीपीटी है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू ओपन एंड प्रेजेंट, दैट इज स्टोर्ड इन गूगल ड्राइव। सो यू कैन एक्सेस द गूगल ड्राइव फ्रॉम हियर। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई क्लिक लाइक दिस, दिस विल आस्क मी फ्रॉम विच मेल आई डी यू वॉन्ट टू एक्सेस यूर गूगल ड्राइव। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे मेरा जो सेकंड मेल आई डी है उससे मेरा गूगल ड्राइव एक्सेस करना है। तो जैसे मैंने क्लिक किया उस मेल आईडी पे, मेरे सामने ये स्क्रीन ओपन हो गई और इसमें मेरे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, सो इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट मैं उठा सकता हूँ जो कि मुझे प्रेजेंट करना है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं ड्राइव से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लूंगा क्योंकि मेरे गूगल ड्राइव पे बुक्स फिलहाल नहीं है। ठीक है, सो द सेकेंड ऑप्शन इज ओपन फ्रॉम कंप्यूटर, मतलब आपके कंप्यूटर में ऑफलाइन आपने बुक्स सेव करके रखे हैं पीडीएफ फॉर्म में या फिर पीपीटी है, वॉट एवर विच एवर सॉफ्ट फॉर्म, तो उसको हम ओपन करते हैं यहाँ से, फ्रॉम ओपन फ्रॉम कंप्यूटर। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे मेरा एक विंडो ओपन हो गया। ठीक है, तो यहीं पे दिस पीसी फोल्डर में, दिस पीसी फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है दैट इज म्यूजिक, और उसके अंदर मेरे कुछ बुक्स पड़े हुए हैं। ठीक है, सो आई विल ओपन द 11th स्टैंडर्ड मैथ्स 2 बुक। ठीक है, 11वीं का मैथ्स 2 का बुक मैंने क्लिक कर दिया और मैंने इसे कहा ओपन। ठीक है, सो इट विल ओपन दैट बुक। नाउ यू कैन सी द बुक हैज बीन ओपन, करेक्ट? कैन यू सी द स्क्रीन क्लियरली एंड माई ऑडियो इज सिंक विद द स्क्रीन प्रेजेंटेशन? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स दैट वी आर गोइंग गुड। ओके, ठीक है, आई होप दिस इज नॉट टू फास्ट। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो देख लीजिए अभी हमारा ये बुक ओपन हो चुका है। ठीक है, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स आर्ट एंड साइंस पार्ट 2। तो यहाँ पे मुझे, मैं जैसे जैसे स्क्रॉल करूंगा तो मेरे पीडीएफ के जो पेजेस है नीचे के मुझे दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर हम देखेंगे तो हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। आप लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ मैं, देखिए, और यहाँ पे ऊपर भी हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। सो इन सारे ऑप्शंस को इफेक्टिवली कैसे यूज करना है मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, सो द फर्स्ट ऑप्शन इज हियर, लेट मी जस्ट पिन पॉइंट दैट। ओके, सो दिस इज डन। या सी, आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर, लेट मी चेंज द कलर सो दैट इट विल बी विजिबल क्लियरली। सी दिस एप्लीकेशन और दिस फंक्शन, दिस इज अ टॉगल साइड बार फंक्शन। ओके, आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस टॉगल साइड बार। वेट, समथिंग एल्स हैपन। ओके, टॉगल साइड बार। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मुझे मेरे बुक्स के सारे पेजेस दिखाई दिए। ठीक है, सो यहाँ से स्क्रॉल करने की वजह, मैं यहाँ से स्क्रॉल करके जिस किसी भी पेज पे जाना चाहता हूँ तो मैं उस पेज पे चला गया। मान लीजिए मैंने फर्स्ट चैप्टर दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर के पेज पे मैं यहाँ पे आ गया। ठीक है, इससे भी बढ़िया जो फंक्शन यहाँ पे दिया गया है दैट इज शो डॉक्यूमेंट आउटलाइन, मतलब कि डॉक्यूमेंट के अंदर का भी आपको दिखाएगा कि कितने चैप्टर्स है, कि क्या है। देखिए, सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली जा सकता हूँ चैप्टर नंबर 5 पे। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ये जो ग्रिड व्यू है दैट इज शो थंबनेल्स, ये आपको सिर्फ पेजेस का थंबनेल दिखाएगा, और यहाँ पे साइड में जो शो डॉक्यूमेंट आउटलाइन वाला ऑप्शन है दैट विल शो यू द चैप्टर्स दैट आर प्रेजेंट इन दिस। फॉर एनोटेशंस, आर यू टॉकिंग अबाउट दिस एप्लीकेशन? आई विल टॉक अबाउट दिस एप्लीकेशन लेटर। ओके, फॉर दिस, दिस इज द डिफरेंट एप्लीकेशन, द एप्लीकेशन दैट करंटली आई एम मूविंग दिस इज डिफरेंट वन, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ केमी। ओके, दिस इज डिफरेंट वन, डोंट बी कंफ्यूज अबाउट इट। ओके, आई विल टेल अबाउट इट। बट देखिए, हम कहाँ पे थे कि यहाँ पे हम चैप्टर्स एक्सेस कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि मुझे थर्ड चैप्टर ओपन करना है, मैंने थर्ड चैप्टर पे क्लिक कर दिया और मेरा जो साइड बार है मैं अभी बंद कर दूंगा यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है, तो ये मेरा साइड बार बंद हो गया और मेरा थर्ड चैप्टर ओपन हो गया है। ठीक है, अभी यह जो एक्सटेंशन है जो कि मतलब दिस इज अ सेपरेट एप्लीकेशन, आई विल मिनिमाइज इट बिकॉज आई डोंट नीड इट एनी मोर। ठीक है, सो इस पीडीएफ को या फिर इस पेज को मुझे जूम करना है तो आपको यहाँ पे ऊपर प्लस और माइनस का सिंबल दिखाई देगा। ठीक है, सो यहाँ पे जूम इन और जूम आउट का सिंबल है। सो इफ आई प्रेस जूम इन तो
पेज जूम इन हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये पेज जूम इन हो रहा है, और अगर मैं इसे जूम आउट करता हूँ तो ये जूम आउट हो जाएगा। सो दिस इज आई थिंक वेरी यूजफुल फीचर। ठीक है, हमें कुछ कुछ बारीक लेटर्स में लिखा हुआ अगर जूम करके दिखाना है तो हम इसे जूम करके दिखा सकते हैं, और इसकी क्लियरिटी बहुत अच्छी है, पीडीएफ की क्लियरिटी अच्छी है, इसलिए जूम भी अच्छे से हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। उसके बाद में जो सेकेंड फंक्शन, दैट इज इन द लेफ्ट साइड, देखिए यहाँ पे एक अपना जो कर्सर रहता है पीसी का, तो उसी तरह का एक पहला फंक्शन दिया गया है, और उस फंक्शन पे क्लिक करते ही मुझे तीन और फंक्शंस दिखाई देंगे। फर्स्ट वन इज सेलेक्ट, सेकेंड वन इज हैंड टूल, एंड द थर्ड वन इज सेलेक्ट एनोटेशंस। ओके, सो द सेलेक्ट फर्स्ट ऑप्शन इज यूज्ड फॉर सेलेक्टिंग पर्टिकुलर लाइन। सपोज आई वांट टू कॉपी दिस लाइन, बट बिफोर सेलेक्टिंग दिस आई नीड टू बी क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर फंक्शन। मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ होना चाहिए, वरना ये सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब ये सिलेक्ट हो चुका है, तो आई विल सिंपली कंट्रोल सी, दैट मीन आई विल कॉपी इट। ये मैंने कॉपी कर लिया है, देख लेते हैं दूसरे टैब में जाके कि मेरा जो कॉपी किया था वो कॉपी हुआ है क्या। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो यू एज यू कैन सी द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग कॉपी हो चुका है। करेक्ट, सो दिस फर्स्ट फंक्शन इज यूज फॉर सेलेक्ट पर्पज। सपोज वी वॉन्ट टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर लाइन, पर्टिकुलर वर्ड, और वट एवर वी वॉन्ट। ठीक है, तो उसमें सेकंड फंक्शन है, दैट इज हैंड टूल। वी वांट टू पिन पॉइंट समथिंग, लाइक वी वांट टू रीड अ पैराग्राफ, एंड हमें मतलब स्टूडेंट्स को पता चलना चाहिए कि एग्जैक्टली हम पढ़ क्या रहे हैं। सो आई विल जस्ट पॉइंट आउट लाइक दिस, लेट अस बिगिन विद द फॉलोइंग सिंपल एग्जाम्पल। मेरा हैंड हैंड उसके पीछे पीछे जा रहा है। ठीक है, सो आई कैन पॉइंट इट आउट। उसके बाद में आता है सेलेक्ट एनोटेशंस। ये सेलेक्ट एनोटेशंस किस तरह से यूज करते हैं मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, क्योंकि एनोटेशंस किस तरह से करते हैं यही हमें पता नहीं है, तो सेलेक्ट कैसे करें ये हम नहीं सीख सकते। ठीक है, देन द सेकंड फंक्शन इज, दैट इज डिक्शनरी। दिस इज मोर यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स, बिकॉज इफ यू आर रीडिंग एन इंग्लिश पीडीएफ एंड यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ पर्टिकुलर वर्ड, देन सिंपली यू कैन क्लिक ऑन द डिक्शनरी एंड सेलेक्ट दैट वर्ड। ओके, आई सेलेक्ट द परमुटेशन वर्ड। सो हियर इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द परमुटेशन, दैट इज इट इज अ नाउन, अ वे ऑफ स्पेशली वन ऑफ द सेवरल पॉसिबल वेरिएशंस इन विच अ सेट ऑफ नंबर और सेट ऑफ नंबर ऑफ थिंग्स कैन बी ऑर्डर्ड और अरेंज्ड। देखिए इसका मीनिंग, यानी इसने डिक्शनरी मीनिंग बता दिया। ठीक है, सो दिस इज अ डिक्शनरी फंक्शन। क्या करना है, सिर्फ इस डिक्शनरी फंक्शन पे क्लिक करना है और जाके किसी भी वर्ड को सेलेक्ट, एज आई हैव सेलेक्टेड द बिगिन वर्ड, यू कैन सी द मीनिंग ऑफ इट एज वेल। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड फंक्शन। द थर्ड फंक्शन इज टेक्स्ट टू स्पीच। टेक्स्ट टू स्पीच इतना ज्यादा काम का है नहीं, या फिर मैं कह सकता हूं कि अगर आपके पास इट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट लेकिन इसका यूज क्या है कि मान लीजिए मुझे ये पैराग्राफ इससे पढ़वा के लेना है इस एप्लीकेशन से, सो आई विल सिंपली क्लिक ऑन दिस एंड मैं सेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, सो एंड आई विल प्ले इट, सो इट विल रीड इट फॉर मी। लेकिन अभी यहाँ पे मेरे पीसी को स्पीकर्स नहीं है, इसके लिए मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा कि किस तरह से ये रीड करता है। ठीक है, सो दिस इज फॉर रीडिंग द पर्टिकुलर पैराग्राफ, इट विल रीड इट फॉर यू। ठीक है, उसके बाद में आता है मार्कअप और हाईलाइटर। जैसे कि हम अपने बुक में, नोटबुक में हाईलाइट करते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अगर कुछ रही, तो मान लीजिए कि मुझे फर्स्ट लाइन आई वॉन्ट टू हाईलाइट दिस, सो आई विल हाईलाइट इट। सो इट हैज बीन हाईलाइटेड विद द येलो कलर इन बैकग्राउंड। ओके, सो दिस इज अ हाईलाइट फंक्शन। उसके बाद में अगर हाईलाइट का मुझे कलर चेंज करना है, मुझे येलो के अलावा मतलब येलो की बजाय मुझे ब्लू कलर में हाईलाइट करना है, ठीक है, सो आई आई कैन यूज दैट फंक्शन लाइक दिस। सो दिस इज हाईलाइटेड इन ब्लू कलर। ओके, सो दिस इज हाउ यू यूज द हाईलाइट फंक्शन। उसके बाद में आता है बॉक्स हाईलाइटर, मतलब कि मुझे पूरा का पूरा पैराग्राफ या फिर कुछ पर्टिकुलर कोई डायग्राम वगैरह हाईलाइट करनी है, तो मैं यूज करूंगा बॉक्स हाईलाइटर। इससे क्या होगा कि एक यहाँ पे ऐसा बॉक्स क्रिएट हो जाएगा और वो उस चीज को पर्टिकुलर हाईलाइट कर देगा। देखिए ये जो सारे फंक्शन यहाँ पे दिए गए हैं, दीज आर ऑल डिपेंडेंट ऑन योर माउस यूज। द मोर इफेक्टिवली यू यूज द माइक, द मोर इफेक्ट you will be able to use all these functions. Okay, so you have to take command on mic, sorry, mouse. Okay. So उसके बाद में strike through वाला option है। क्या strike through वाला option? मुझे black color में strike through करना है इस line को। ठीक है? So I will select this line. So this line has been strike through. ठीक है? ये strike through हो गई।
उसके बाद में मुझे कोई पर्टिकुलर लाइन को अंडरलाइन करना है, तो मैं अंडरलाइन फंक्शन पे क्लिक करूंगा और कोई भी सेंटेंस को अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो इट विल बी अंडरलाइंड। ठीक है, सो ये सारे फंक्शंस है। और यहाँ पे जो है ये सिर्फ कलर सेलेक्शन सेलेक्शन के लिए, ये जो तीन है इसमें से आप इस पर अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे कलर्स दिखाई देंगे, और इसमें से कोई भी कलर आप चूज कर सकते हैं अंडरलाइन के लिए, स्ट्राइक थ्रू के लिए, या फिर हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, अभी हमने इतना इतना सारा करके तो रख दिया, अभी इसे डिलीट कैसे करें? सो वी हैव अ ऑप्शन हियर और ये फंक्शन हियर, दैट इज इरेजर। ठीक है, इरेजर सब कुछ इरेज करता है, अगर आपको कुछ भी इरेज करना है यू विल सिंपली क्लिक ऑन द इरेजर एंड इरेज इट। ओके, सो द वे वी डू विथ आवर कन्वेंशनल इरेजर, ठीक है, उससे स्ट्राइक करना है तो वो सारा इरेज हो जाएगा। सो दिस वॉज द मार्कअप और हाईलाइट फंक्शन। उसके बाद में कमेंट फंक्शन, सपोज वी वॉन्ट टू पुट अ कमेंट अबाउट पर्टिकुलर, जिसका भी माइक ऑन था प्लीज बंद कर दीजिए। ठीक है, ओके, सो दिस इज अ टेक्स्ट कमेंट फंक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यहाँ पे कोई फॉर्मूला है, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 के अलावा और कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, और अभी मुझे इसके बारे में कुछ नया पता चला है, मुझे इससे पहले ये पता नहीं था, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे कमेंट ऐड करूंगा कि बुक में कि मुझे यहाँ पे एक नया फॉर्मूला पता चला है। तो किस तरह से ऐड करूंगा, मैं इसको सेलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं एक कमेंट ऐड कर दूंगा, दैट इज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये दिखाई भी देगा, ये जो है ये जो येलो पॉइंट दिख रहा है, दैट मीन्स इट इज योर कमेंट, यू हैव कमेंटेड ऑन दिस। ठीक है, सो इस तरह से इसे आप डिलीट भी कर सकते हैं। सो दिस इज कमेंट फंक्शन, आपको कोई कमेंट करना है किसी इस पे तो। इसके बाद वॉइस कमेंट का भी ऑप्शन है, वीडियो कमेंट का भी ऑप्शन है, देर आर लॉट्स ऑफ एडवांस्ड ऑप्शन, बट वी सिंपली डोंट नीड दिस ऑप्शन। ठीक है, तो उसके बाद में आता है टेक्स्ट बॉक्स वाला ऑप्शन। तो टेक्स्ट बॉक्स वाला ऑप्शन इफेक्टिवली कैसे यूज करना है यह भी हम देखेंगे, लेकिन इसी सेशन में थोड़ा सा थोड़ी देर बाद। ठीक है, सो उसके बाद में आता है इक्वेशन का फंक्शन, इस इक्वेशन का फंक्शन भी मैं आपको बताऊंगा। दिस इज नॉट यूजफुल फॉर बुक, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस फंक्शंस राइट नाउ। ठीक है, मैं इन फंक्शंस को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन जब अप्रोप्रिएट लगेगा मुझे कि अभी यहाँ पे उनका फंक्शंस का इफेक्टिवली यूज हो सकता है, तब मैं आपको उसका डेमोन्स्ट्रेशन दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद में आता है ड्रॉइंग का, दिस इज फ्री हैंड ड्रॉइंग। ठीक है, तो हम वी कैन ड्रॉ एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ माउस, जस्ट सिंपली क्लिक ऑन दिस ब्रश एंड यू कैन सेलेक्ट द कलर, लाइक आई हैड सिलेक्टेड द रेड कलर, नाउ आई एम सिलेक्टिंग द ग्रीन कलर एंड आई एम फ्री विथ फ्री हैंड आई एम ड्रॉइंग लाइक दिस। ठीक है, मैंने इरेजर लिया, फिर से सब कुछ इरेज कर दिया। इस ब्रश का या फिर इस पेंसिल का मैं जो टिप रहता है वो भी बढ़ा सकता हूँ, मैं इसको 12 कर दूंगा, तो क्या होगा, बड़े मतलब थोड़ा सा थिक टाइप का ड्राइंग हमें यहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ आवर ब्रश, यहाँ पे छोटे से छोटा भी हम ले सकते हैं, लेकिन लाइक 0.5 का लेंगे तो बहुत ही थिन लाइन यहाँ पे ड्रॉ होगी हो जाएगी अगर हम इससे ड्राइंग करते हैं। ठीक है, सो आई एम यूजिंग द इरेजर फंक्शन अगेन। उसके बाद में ड्राइंग का फंक्शन इतना ही है, ठीक है, ड्राइंग का फंक्शन है इतना ही है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। उसके बाद में आता है शेप्स, इफ यू वांट टू सपोज ड्रॉ अ इंसर्ट अ रेक्टेंगल, सो देन सेलेक्ट द रेक्टेंगल एंड सिंपली इंसर्ट इट लाइक दिस, द वे यू डू इन पेंट। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हम सर्कल भी इंसर्ट कर सकते हैं, उसके बाद में ट्रायंगल, उसके बाद में लाइन, जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ हमें उसका एंगल भी दिखाएगा कि किस एंगल पे हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। सो एज यू कैन सी दिस इज अ 0 डिग्री एंगल व्हेन आई एम ड्रॉइंग दिस लाइन। ठीक है, अभी मुझे 45 डिग्री का अगर एंगल ड्रॉ करना है तो मैं यहाँ से शुरू करूंगा, और आप नीचे देख सकते हैं लेफ्ट साइड में उस लाइन के मुझे एक एंगल दिखाई दे रहा है, तो 45 डिग्री अभी हो गया। ठीक है, सो दिस इज अ 45 डिग्री एंगल, दिस इज अ 45 डिग्री एंगल, सो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ द शेप्स एज वेल। शेप्स का कलर भी चेंज किया जा सकता है, किसी भी फंक्शन जो भी हम फंक्शन यहाँ पे यूज कर रहे हैं उन सबका कलर यहाँ पे चेंज करने का प्रोसीजर हमें दिया गया है। उसके बाद में इंसर्ट इमेज, ठीक है, मतलब अगर हम कोई हिस्ट्री का वगैरह चैप्टर पढ़ा रहे हैं और हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए कोई पिक्चर दिखाना है, हमें
या फिर इमेज दिखाई है हमें स्टूडेंट्स को, सो वी कैन यूज दिस फंक्शन टू इंसर्ट इमेज, सो दैट इमेज विल बी प्लेस्ड हियर एंड इट विल बी शोन टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद में आता है सिग्नेचर फंक्शन, यानी कि सपोज वी वांट टू इंसर्ट अ सिग्नेचर, लाइक आई विल ड्रॉ अ रैंडम सिग्नेचर, सी आई एम ड्रॉइंग अ सिग्नेचर लाइक दिस, दिस इज अ रैंडम सिग्नेचर एंड आई विल अपलोड इट, ओके, सो इंसर्ट द सिग्नेचर, आई कैन इंसर्ट द सिग्नेचर सपोज इफ आई नीड टू इंसर्ट इट, ओके, सो दिस इज हाउ वी यूज फ्यू ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको इसका नाम भी दिखाई देने लग जाएगा, पहले आपको सिर्फ इसका आइकॉन दिखाई दे रहा था, बराबर। अगर इस एरो पे, और हम इस टॉगल बार को राइट साइड में भी शिफ्ट कर सकते हैं, नाउ यू कैन सी द टॉगल बार हैज बीन शिफ्टेड टू द राइट साइड, करेक्ट। सो आई विल अगेन शिफ्ट इट टू द लेफ्ट साइड, सो दिस इज हाउ वी यूज फ्यू ऑफ द फंक्शंस प्रोवाइडेड हियर। उसके बाद में चलो ठीक है, लेट मी जस्ट इरेज दिस सिग्नेचर, ओके। अभी ऊपर देखिए, अभी मैंने 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 का बुक खोला है और मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई दूसरा पीडीएफ खोलना है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट गो हियर, आई विल पिन पॉइंट इट सो दैट यू विल बी सी हियर, ओके। सो आई विल क्लिक ऑन फ्रॉम माई गूगल ड्राइव, ठीक है। सो अगेन आई विल से ओपन फ्रॉम माई कंप्यूटर, और इस तरह से मुझे एक विंडो खुल जाएगी मेरे सामने, जिसमें कि मुझे मेरे फाइल्स दिखाई देने लग जाएंगे, तो मैं नई फाइल खोल सकता हूँ, ठीक है। सो दिस इज अ वन फंक्शन। उसके बाद में है शेयर डॉक्यूमेंट वाला फंक्शन, सो दिस इज क्वाइट एडवांस फंक्शन एंड वी सिंपली डोंट नीड इट, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एलैबोरेटिंग अबाउट इट, ठीक है। उसके बाद में आता है प्रिंट फंक्शन, सपोज वी हैव मेड समथिंग लाइक वी हैव मेड इंपॉर्टेंट एनोटेशन एंड वी वॉन्ट टू प्रिंट इट, सो वी कैन प्रिंट इट फ्रॉम हियर एज वेल, और वी वॉन्ट टू सेव द पीडीएफ एज इट इज, मतलब हमने कुछ उसमें एनोटेशन एड किए हैं और हमें एज इट इज रखना है, उसे चेंज नहीं करना या फिर इरेज नहीं करना है, सो वी कैन सेव दैट पीडीएफ विद द हेल्प ऑफ एनोटेशन लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद में डाउनलोड फंक्शन, अभी यहाँ पे मैं कुछ डाउनलोड फंक्शन का मैं यूज बताऊंगा लेकिन थोड़ी देर में, ठीक है। ये जो बुक है इस पे एनोटेशन ऐड करके मैं डाउनलोड नहीं करना चाहता, मैं कुछ दूसरा डाउनलोड करना चाहूंगा, ठीक है। सो आई विल एक्सप्लेन द डाउनलोड फंक्शन अ लिटल लेटर, ठीक है। सो उसके बाद में आता है मेनू का ऑप्शन, दिस इज अ मेनू ऑप्शन, सी स्प्लिट एंड मर्ज डॉक्यूमेंट वी डोंट नीड इट, ओसीआर फॉर स्कैन पीडीएफ वी डोंट नीड इट। उसके बाद में हमें ये ऑप्शन काम में आ सकता है, गो टू द फर्स्ट पेज, इफ आई क्लिक हियर आई विल गो टू द फर्स्ट पेज ऑफ माई डॉक्यूमेंट और पीडीएफ, ठीक है। उसी तरह गो टू द लास्ट पेज, लास्ट पेज में मैं आ गया। उसके बाद में जंप टू द पर्टिकुलर पेज, सपोज आई वॉन्ट टू जंप टू द पेज नंबर 50, सो आई विल पुट द पेज नंबर 50 एंड आई विल बी टेकन टू द पेज नंबर 50, ठीक है। सो दिस इज हाउ दीज फंक्शंस वर्क। उसके बाद में रिस्टोर एनोटेशन, जो हमने एनोटेशन किए हैं अगर हमने उसको डिलीट कर दिया, मान लीजिए इरेज कर दिया, सो वी कैन वी हैव ऑप्शन टू रिस्टोर देम, हम फिर से उन्हें कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा जो पीडीएफ है दैट इज इन लैंडस्केप मोड और पोर्ट्रेट मोड, सो वी कैन रोटेट देम, लाइक इफ आई रोटेट क्लॉकवाइज देन माई पीडीएफ इज रोटेटेड, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा रोटेट हुआ है मेरा पीडीएफ 90 डिग्री से। उसके बाद में मैं फिर से यहाँ पे ऑप्शन है रोटेट क्लॉकवाइज और रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज, तो मैंने पहले क्या किया था कि क्लॉकवाइज इसे रोटेट किया, तो अभी मैं फिर से इसे अगर एंटी क्लॉक या फिर काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो इनिशियल स्टेज पे आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी यूज दिस फंक्शंस। उसके बाद में आता है वन पेज व्यू टू पेज व्यू, अभी जो आपको ये दिखा रहा है दैट इज वन पेज व्यू, मतलब वन पेज एट अ टाइम आपको दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे टू पेज व्यू पे क्लिक करता हूँ, टू पेज व्यू पे क्लिक करता हूँ और जूम आउट करता हूँ, तो आप देख पाएंगे कि जैसा हमारा कन्वेंशनल बुक रहता है उसी तरह से एक पेज लेफ्ट साइड में और एक पेज राइट साइड में आ चुका है, लेकिन यह जो है ये बहुत ही बारीक फॉन्ट में है, ठीक है। इसलिए वी मोस्टली प्रेफर द वन पेज व्यू एंड यू विल फाइंड ऑल द सेटिंग्स हियर इन द मेन्यू बटन, ठीक है। दिस सेटिंग्स आर नॉट दैट मच हार्ड टू फाइंड, ठीक है। उसके बाद में आता है प्रेजेंटेशन मोड, सपोज वी वॉन्ट टू जस्ट प्रेजेंट द पीडीएफ ओनली नथिंग एल्स, सो वी विल जस्ट एंटर इन टू दिस प्रेजेंटेशन मोड एंड एज यू कैन सी
आई होप यू आर सीइंग, यू कैन जस्ट सी द पीडीएफ ओनली, ओके, नथिंग एल्स. सो फॉर रिटर्निंग फ्रॉम दिस मोड यू नीड टू प्रेस F11 बटन ऑन योर कीबोर्ड, ओके, सो दैट यू विल बी रिटर्न टू द मेन स्क्रीन. आई विल जस्ट जूम इन, ओके, सो दिस इज इट. और उसके बाद में तो कोई अंडू और रिडू तो आपको मंगलम सर ने पिछले एक दो क्लासेस में अच्छे से बताया है कि उनका फंक्शंस क्या होता है, ठीक है. सो दीज वेर द बेसिक सेटिंग्स और दीज वेर द बेसिक थिंग्स दैट वी नीडेड फॉर आवर ऑनलाइन टीचिंग पर्पस, ठीक है. सो अभी इस केमी एक्सटेंशन के ही कुछ फीचर्स है जो कि बचे हुए, मैं अभी आपको उनके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है. सो फॉर नाउ आई विल क्लोज दिस. अगेन आई विल ओपन दिस एक्सटेंशन बाय क्लिकिंग ऑन द राइट साइड हियर. यहाँ पे मुझे केमी का के दिखाई दे रहा है, बराबर. सो आई विल क्लिक ऑन दिस एंड द न्यू पेज विल बी ओपन, ठीक है. सो हमने यहाँ पे ओपन विद गूगल ड्राइव देख लिया, ओपन विद कंप्यूटर, ओपन फ्रॉम कंप्यूटर देख लिया. अभी हम आते हैं न्यू ब्लैंक पेज पे, मतलब कि हमें एक नया ब्लैंक पेज चाहिए जिसपे कि हम कुछ भी लिख सके, स्क्रिबल कर सके, ठीक है. सो इफ आई क्लिक ऑन दिस ब्लैंक पेज, सो यहाँ पे आपको क्या पूछेगा, आपको एक कंप्लीटली ब्लैंक पेज चाहिए या फिर लाइन पेज जो कि हमारे नोटबुक में होता है उस तरह का, या फिर ग्रिड पेज, ठीक है, जो कि हम मैथमेटिक्स के नोटबुक के लिए मोस्टली यूज करते हैं, और म्यूजिक शीट वाला पेज, कौन सा पेज चाहिए. सो आई विल फर्स्ट प्रेफर द ब्लैंक पेज ओनली. और वो पूछेगा कि हाउ मेनी, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन ब्लर है, सो आई विल जस्ट गेट वन पेज ओनली, ठीक है. तो मुझे यहाँ पे एक, मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे एक ब्लैंक पेज मिल गया. लाइक दिस विल एक्ट एज माई व्हाइट बोर्ड, ओके, दिस विल एक्ट एज माई व्हाइट बोर्ड. सो आई कैन डू एनी थिंग दैट आई वॉन्ट टू डू हियर. आई विल जस्ट इंक्रीज द पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस इज हाउ आई कैन यूज द ब्लैंक पेज. ओके, सपोज आई वॉन्ट टू सॉल्व एन इक्वेशन, लाइक आई विल राइट हियर, सी एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. सपोज दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड आई वॉन्ट टू सॉल्व दिस, सो आई हैव रिटन इट हियर, ओके. सो आई कैन चेंज द मार्कर एनी टाइम, ओके. सो दिस इज हाउ यू यूज द ब्लैक बोर्ड. उसे अभी ब्लैक बोर्ड में, सॉरी व्हाइट बोर्ड नॉट ब्लैक बोर्ड, अभी हमारे जो कुछ फंक्शंस बचे हुए थे उनके बारे में हम देखते हैं. सो द फर्स्ट द फंक्शन वॉज टेक्स्ट फंक्शन, ठीक है. तो मुझे अभी यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है, सपोज. तो मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लिया है, ठीक है. देखिए यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लिया है, और इस फॉन्ट की जो साइज है इसे भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा साइज रखा है, और मैं इससे भी ज्यादा ज्यादा थोड़ा सा बड़ा साइज करूंगा, सो दैट इट विल बी विजिबल टू यू, ठीक है. सो मैंने टाइप किया एक्स स्क्वायर, मैं टाइप करना चाहता हूँ एक्स स्क्वायर, ठीक है. लेकिन ये लेट इट बी एक्स ओनली, एक्स स्क्वायर का थोड़ी देर बाद देखेंगे हम. तो इस एक्स को मैं सेलेक्ट करके इसे बोल्ड भी कर सकता हूँ, ठीक है, इसे इटैलिक्स भी बना सकता हूँ, अंडरलाइन भी कर सकता हूँ, स्ट्राइक थ्रू भी कर सकता हूँ, सारे फंक्शंस कर सकता हूँ जो कि अवेलेबल है मेल में या फिर पेंट, ठीक है. सो ऑल द फंक्शंस आर अवेलेबल हियर. तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे एक्स स्क्वायर लिखना है, तो मैं एक्स लिखूंगा, टू लिखूंगा, टू को लिखने के बाद मैं सिर्फ टू को सिलेक्ट कर दूंगा, और यहाँ पे एक आपको फंक्शन दिखाई देगा. देखिए एक्स के सर पे टू लिखा हुआ है, सो दिस विल बी लाइक दिस, सो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर, ओके. अभी मुझे इस एक्स स्क्वायर को रेस टू की जगह मुझे बेस में लिखना है कि एक्स बेस टू, सो इफ आई विल क्लिक ऑन दिस फंक्शन इट विल गो टू द बेस, करेक्ट. सो दिस इज हाउ यू यूज द फंक्शन. अभी मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ. आई कैन चेंज द बैकग्राउंड एज वेल, सी द ग्रीन बैकग्राउंड विथ रेड टेक्स्ट. I will simply return to the normal, okay, black text with white background. So this is how we use the text box. Abhi isme kuch aur functions baki hai. Ye bullets function hai, numbered list, jo ki aapko pata hai ki kis tarah se agar hame kuch char points likhne hai, to hum char points likhenge ek ke niche ek, aur usme hum bullets add kar sakte hai, theek hai. Uske baad mein jo function hai, that is alignment. Whether I want it aligned to center, or to the right side, or to the left side, accordingly I can select it here. ठीक है, तो मैंने टेक्स्ट बॉक्स जो है छोटा सा सेलेक्ट किया है, इसीलिए ये जो टेक्स्ट है यहीं पे मूव हो रहा है. लेकिन अगर मैं इसे बड़ा कर दूं, मान लीजिए कि मैं इसे बड़ा कर दूं, तो क्या होगा,
इट विल प्रॉपरली शो, लाइक अभी दिस इज लेफ्ट अलाइन, नाउ आई विल डू इट्स अलाइनमेंट टू द सेंटर, सो इट हैज केम टू द सेंटर. ओके, इफ आई चेंज द अलाइनमेंट टू द राइट साइड, सो इट विल गो टू द राइट साइड. दिस इज हाउ यू यूज द दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स फंक्शन. ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स फंक्शन में भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई देंगे कि आपको कितने पिक्सल्स में, या फिर मतलब उसकी साइज क्या चाहिए आपको टेक्स्ट बॉक्स की. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द टेक्स्ट बॉक्स फंक्शन बाय क्लिकिंग ऑन दिस टी सिंबल और द टी लेटर. ओके, सो आई विल जस्ट रिस्टोर इट टू द लेफ्ट अलाइंड एंड आई विल डिक्रीज दिस. उसके बाद में आता है एफ ऑफ एक्स. सी, दिस इज द फंक्शन. सो विच फंक्शन आई वॉन्ट टू एड, सपोज आई वॉन्ट टू एड अ फंक्शन लाइक वी डोंट हैव सिम्बॉल्स लाइक अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा इन्फिनिटी, दीज ऑन कीबोर्ड. कीबोर्ड पे सारे सिम्बॉल्स अवेलेबल नहीं रहते हैं हमें, ठीक है, लेकिन हमें मैथमेटिक्स में यूज करना पड़ता है. सो सपोज आई वॉन्ट टू टाइप अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस लेट अस से बीटा. ओके, सो ओके दिस हैज बीन मार्क्ड विथ, ओके आई विल जस्ट सिंपली डिलीट दिस. ओके, या सो यू कैन सी इट इज रिटन अल्फा प्लस बीटा. यह जो सिंबल है ये नॉर्मली हमारे कीबोर्ड पे अवेलेबल नहीं रहते हैं, लेकिन जब हम टेक्स्ट बॉक्स ऐड करेंगे और यहाँ पे कुछ लिखेंगे, ठीक है, आई विल डिलीट इट ऑल. अभी मैं सब कुछ डिलीट कर दूंगा, इरेजर से सब कुछ डिलीट हो जाता है. ठीक है, सो दिस इज अ गुड फंक्शन. कोई भी हम अगर फॉर्मूला लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, इरेजर कैन इरेज एवरीथिंग. सो आई विल जस्ट एड द टेक्स्ट अगेन. एज यू कैन सी आई हैव एडेड द टेक्स्ट बॉक्स. टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने के बाद में मुझे ये सारे फंक्शंस दिखाई देने लग जाएंगे, लेकिन जब मैं एफ ऑफ एक्स पे क्लिक करूंगा, फॉर्मूला पे क्लिक करूंगा, सो ओके फॉर्मूला पे मैं जब क्लिक करूंगा तो यह फंक्शंस कुछ लिमिटेड हो जाएंगे. तो मेरी अभी ये कितना पिक्सल का आपको चाहिए ये पूछ रहा है, तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, 60, सॉरी मैंने गलती से कहीं और क्लिक कर दिया, और मुझे पूछ रहा है कि कौन सा फंक्शन आपको ऐड करना है. तो मैं यहाँ पे पाई के सिम्बॉल पे क्लिक करूंगा और मान लीजिए कि मुझे लिखना है लिमिट और लेट अस से लॉग ऑफ ओमेगा. ठीक है, लॉग ऑफ ओमेगा मैंने यहाँ पे लिख दिया. ये फिर से पूछ रहा है कि लॉग का बेस क्या लेना है आपको, 10 लेना है, ई लेना है. सो आई विल सपोज टेक द लॉग बेस ई. ठीक है, सो दिस इज हाउ आई हैव एडेड द मैथमेटिकल फंक्शन ऑल्सो. सो द टेक्स्ट बॉक्स मैंने इसीलिए पीछे छोड़ा था इसे, कि यहाँ पे मैं इसका आपको अच्छे से डेमोन्स्ट्रेशन दे सकूँ. ठीक है, आप यहाँ पे सारे फंक्शंस यूज कर सकते हैं. जो फंक्शंस हमने पीडीएफ में यूज किए वो सारे फंक्शंस हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. उसके बाद में हमारा एक फंक्शन बचा है, दैट इज सेलेक्ट एनोटेशंस. ठीक है, मैंने कुछ एनोटेशंस किए हैं यहाँ पे, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ लिख दिया है और मैं इस एनोटेशन को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो द फर्स्ट फंक्शन उसमें थर्ड वाला सेलेक्ट एनोटेशन से, तो वहां पर मैं जाके क्लिक कर दूंगा. तो इस एनोटेशन को मैंने जो एनोटेशन किया है उसे मैं एडिट कर सकता हूँ. मेरा कलर ग्रीन रेड था तो मैं इसे ग्रीन कर दूंगा. ठीक है, उसकी थोड़ी सी विड्थ भी, या फिर उसे मैं कहता हूँ कि थिकनेस भी उसकी थोड़ी सी बढ़ा दूंगा. इसकी ट्रांसपेरेंसी भी मैं चेंज कर सकता हूँ कि कितना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, 100% ट्रांसपेरेंट या फिर 10%. सो अकॉर्डिंगली आई कैन यूज दिस फंक्शन एंड सेलेक्ट एनोटेशन फॉर एडिटिंग द एनोटेशंस, एंड आई कैन सिंपली डिलीट दिस एज वेल. ठीक है, तो ये एक हुआ. अभी मैं इसको फिर से बंद कर दूंगा. ठीक है, आपको क्या करना है, केमी को ओपन करने के लिए सिंपली यू जस्ट क्लिक ऑन द के बटन. सो दिस विंडो विल ओपन. ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिर से जाऊंगा न्यू ब्लैंक पेज पे. इस ब्लैंक पेज पे मैं आपको दिखाऊंगा अभी लाइन पेज, द सिमिलर सिमिलर वन एज इन आवर नोटबुक्स. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लाइन पेज आ चुका है. सो दिस वी कैन यूज ऑल्सो. उसके बाद में अगर मुझे चाहिए एक पेज विथ ग्रिड लाइन्स, सो दिस इज द पेज विथ ग्रिड पेज. सो एज यू कैन सी दिस इज अ ग्रिड पेज. ठीक है, यहाँ पे ग्रिड्स आएंगे. तो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस दिए गए हैं, हम जितना इफेक्टिवली उन्हें यूज कर सकते हैं, इट इट डिपेंड्स ऑन अस. ठीक है, सो और एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि यह जो एप्लीकेशन है यहाँ, ये तो वैसे तो बेसिक यूज के लिए कम्प्लीटली फ्री है. ठीक है, वी डोंट हैव टू पे एनीथिंग, और उसमें से जो भी बेसिक फंक्शंस हमें लगते हैं वो सारे फ्री वर्जन में मिल जाते हैं.
लेकिन इसका एक प्रो वर्जन भी होता है। अभी मेरा जो ये वर्जन चल रहा है दैट इज ट्रायल वर्जन, दैट इज नॉट पेड एज वेल एज दैट इज नॉट फ्री, ठीक है। ये मेरा ट्रायल वर्जन चल रहा है, तो जब जब मेरा ट्रायल वर्जन खत्म हो जाएगा तो उसमें से कुछ फंक्शंस मुझे अवेलेबल नहीं रहेंगे, ठीक है। लेकिन मेरा जो ट्रायल वर्जन है मैंने अभी अभी शुरू किया है, कल परसों ही शुरू किया है आपको डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए। इससे पहले मैं फ्री वर्जन ही यूज कर रहा हूँ पिछले 2.5-3 महीने से। सो आज तक मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई है, और मैं पर्टिकुलरली मैथ्स और साइंस ही पढ़ाता हूँ। सो ऐसा कोई भी मुझे इशू नहीं आया कि मेरा ये फंक्शन मैं स्टूडेंट्स को दिखा नहीं पाया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। सो अब पर्सनली आई थिंक कि वी डो नॉट नीड टू परचेज द प्रो वर्जन, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि ये फंक्शंस मुझे चाहिए लेकिन ये फ्री वर्जन में मुझे फंक्शंस मिल नहीं रहे हैं, तो यू कैन परचेज इट। इट कॉस्ट अराउंड 350 रुपीज पर मंथ, ठीक है। 350 रुपीज पर मंथ आपको इसका कॉस्ट पड़ेगा टू परचेज दिस, अदरवाइज यू कैन यूज इट फॉर फ्री ऑल्सो। और मोस्ट ऑफ द फंक्शंस, नियर अबाउट 70% फंक्शंस आर अवेलेबल फ्री, एंड दोज आर द बेसिक फंक्शंस एंड दोज आर इंपॉर्टेंट फंक्शंस व्हिच दे हैव प्रोवाइडेड अस फॉर द फ्री इन द फ्री वर्जन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट केमी, ओके। सो दिस वाज द डेमो ऑफ, वी कॉल इट एज अ व्हाइट बोर्ड और अ एनोटेशन सॉफ्टवेयर। सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, और मैं बीच में कहीं पे ज्यादा सब थोड़ा सा फास्ट चला गया हूँ, तो आप प्लीज चैट बॉक्स में आपके कुछ डाउट्स लिखिए। सो आई कैन आंसर इट इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, ओके। अदरवाइज आई विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, और सिंपली आई विल टेल यू हाउ टू डाउनलोड दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और द हाउ टू एड दिस एक्सटेंशन। इफ यू हैव डाउट्स प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, अदरवाइज यू कैन से प्रोसीड। सो आई विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक और द नेक्स्ट। प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। आई होप यू ऑल आर एबल टू हियर मी। ओके, आई शुड प्रोसीड। ओके ओके ठीक है, चलो। वॉट इज द फर्स्ट एक्सटेंशन? दिस इज ग्रामरली सर, दिस इज ग्रामरली, दिस इज के मी एंड दिस इज गूगल इनपुट टूल्स, ठीक है। तो अभी मैं गूगल इनपुट टूल्स का थोड़ा सा डेमो देना चाहूंगा, ठीक है। सो सपोज अभी मान ली, मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ, मुझे पता नहीं है कि के मी में ये यूज होता है या फिर नहीं। आई विल जस्ट ओपन अ ब्लैंक पेज, एज यू कैन सी द पेज दैट इज कंप्लीटली ब्लैंक विदाउट ग्रिड लाइन्स विदाउट एनी काइंड ऑफ, जस्ट एड द टेक्स्ट, ठीक है। और ट्राई करते हैं, ओके दिस इज अ सॉरी आई हैव एडेड दिस टेक्स्ट बॉक्स, और अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा मराठी पे, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। अभी मैं टाइप कर रहा हूँ व्हाट आई शुड टाइप, अनेबल टू सी। मैम प्लीज क्लिक ऑन माई प्रोफाइल इन द पीपल्स टैब, ओके, सो दैट यू विल बी एबल टू सी मी। ओके सो लेट अस टाइप शिक्षक दिनाचा हार्दिक शुभेच्छा। आई विल ट्राई टू टाइप इट, ओके। सो आई डोंट हैव अ मराठी कीबोर्ड, आई एम जस्ट टाइपिंग इट लाइक सी शी श क, ठीक है। शिक्षक कर दिया मैंने टाइप, तो यहाँ पे फर्स्ट देखिए आया है शिक्षक, सॉरी लेट मी जस्ट इंक्रीज दिस मोर, ओके। सो शिक्षक शिक्षक, सो एंटर। सो शिक्षक टाइप हो गया मेरा, मैंने क्या किया इंग्लिश में टाइप किया, लेकिन टाइप का किस में हुआ, मराठी में हुआ, ठीक है। सो आई विल टाइप अगेन दिनाचा, दिनाचा फॉर DIN। देखिए यहाँ पे मैं इंग्लिश में टाइप कर रहा हूँ, ये आपको दिख रहा है ऊपर, और उसके नीचे मुझे सजेशन आ रहे हैं कि आपको मराठी में क्या चाहिए इसके लिए, ठीक है। सो आई विल टाइप दी ना चा, ठीक है।
सो इट विल शो दिनाचा. सो आई विल टाइप लाइक दिस, दिनाचा. हार्दिक शुभेच्छा. हार्दिक फॉर HARDIK. सो इट इज सजेस्टिंग मी हार्दिक एज वेल एज द हार्दिक विद द सेकंड वेलेंट वेलेंटी. बराबर, उसके बाद में हार्दिक भी दिखा रहा है, बिकॉज इट डज नॉट अंडरस्टैंड ना कि वॉट इज हार्दिक. सो इट विल शो ऑल द सजेशन कि उसको जो कुछ लगता है कि ये हो सकता है, इट विल रिकमेंड यू. इट इज फ्रॉम गूगल, सो इट इज वेरी स्मार्ट. ओके, सो आई वॉन्ट हार्दिक विद द फर्स्ट वेलेंटी. सो हार्दिक, हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छा फॉर SHUBHE CHA. ठीक है. सो अभी शायद मैंने शुभेच्छा की स्पेलिंग गलत लिख दी थी, तो यहाँ पे अभी दिखाई दे रहा है मुझे. देखिए, शुभेच्छा भी दिखाई दे रहा है, शुभेच्छा भी दिखाई दे रहा है, शुभेच्छ भी दिखाई दे रहा है, मतलब जितने सारे सजेशन से ये दिखाएगा. तो मुझे क्या चाहिए इसमें सेलेक्ट करूंगा मैं, शुभेच्छा चाहिए. तो इस तरह से मैंने बाय यूजिंग द इंग्लिश कीबोर्ड मैंने मराठी में टाइप किया. ठीक है, इजंट इट इंटरेस्टिंग. आई लुक, मतलब आई थिंक इट इज इंटरेस्टिंग. वी डोंट नीड टू लर्न द मराठी टाइपिंग एनी मोर. ठीक है, फॉर द कैजुअल रीजंस. सो दिस इज द एक्सटेंशन दैट इज गूगल इनपुट. ठीक है, उसके बाद में आता है ग्रामरली एक्सटेंशन. ग्रामरली एक्सटेंशन किस लिए यूज होता है कि मान लीजिए कि मैं कोई मेल लिख रहा हूँ, अभी अभी मैं ये लीव कर रहा हूँ, ये टैब मैंने छोड़ दी. अब हमारा जो एक्सटेंशन था गूगल इनपुट, इसके कुछ सेटिंग्स होते हैं. ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है. अभी यहाँ पे मैंने मराठी पे टिक किया हुआ है. आप लोग देखिए यहाँ पे अपर साइड में स्क्रीन के मराठी पे क्लिक किया है, तो इसे मैंने यह कमांड दी है कि मैं जो टाइप करूंगा मुझे मराठी में चाहिए, लेकिन अगर मुझे इंग्लिश में चाहिए तो मुझे इंग्लिश पे क्लिक करना पड़ेगा. ठीक है, तो अभी मैंने इंग्लिश पे क्लिक किया, मतलब मैं इंग्लिश में टाइप करूंगा तो इंग्लिश में ही आएगा, मराठी में चाहिए तो मैं मराठी पे क्लिक करूंगा. उसके बाद में यहाँ पे मुझे सेटिंग्स में जाके अगर मुझे टर्न ऑफ करना है मान लीजिए, ये तो मैं टर्न ऑफ भी कर सकता हूँ. एक्सटेंशन के कुछ ऑप्शन है. मान लीजिए कि मुझे मराठी में नहीं करना है टाइप, मुझे टाइप करना है चाइनीज में, तो मैं यहाँ पे जाके सेलेक्ट कर सकता हूँ लैंग्वेज की. मैं यहाँ पे जाके लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मैं टाइप तो इंग्लिश में करूंगा लेकिन मुझे उसका ट्रांसलेशन चाहिए. ट्रांसलेशन कहने से अच्छा है मैं कहना चाहूंगा कि उसका ट्रांसक्रिप्शन चाहिए चाइनीज में. सो आई विल सेलेक्ट दैट ऑप्शन लाइक सी. ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ इंग्लिश और मराठी दो लैंग्वेजेस को ही मैंने सेलेक्ट कर लिया है. तो मान लीजिए कि मैं बांग्ला लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता. ठीक है, सो यहाँ पे मैंने बांग्ला लैंग्वेज ऐड कर दी है. अभी मैं यहाँ पे इसे क्लोज कर दूंगा. यहाँ पे फिर से जाके मैं बांग्ला पे क्लिक करूंगा. ठीक है, सो लेट अस सी व्हाट इट टाइप्स. मैं फिर से केमी पे गया, मैंने फिर से ब्लैंक पेज ओपन किया और एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया. अभी मुझे बांग्ला लैंग्वेज नहीं आती है, लेकिन मैं फिर भी कुछ टाइप करने की कोशिश करूंगा. ठीक है, लाइक शिक्षक ही टाइप करते हैं, शिक्षक, शिक्षक. ठीक है, सो दिस इज शिक्षक टाइप्ड इन अ बांग्ला लैंग्वेज. ओके, अगर किसी को आती है तो आप लोग पढ़ सकते हो, मुझे बता सकते हैं कि सही है या फिर गलत है. आई डोंट नो अबाउट इट. ओके, सो दिस इज वेरी यूजफुल हेल्प और हेल्पफुल एक्सटेंशन आई फील लाइक. चलिए ठीक है, तो अभी ये हमारे एक्सटेंशन तो हमें पता चल गया. अभी ग्रामरली का मैं 2 मिनट में आपको डेमो देता हूँ कि वो ओके मैम रिंकू. ओके ओके ओके, थैंक यू. ठीक है, सो देयर आर टीचर्स फ्रॉम हु नोज बांग्ला लैंग्वेज एज वेल. सो दिस इज करेक्ट शिक्षक. ओके, सो दिस हैज बीन कंफर्म नाउ. ओके, आई विल क्लोज दिस टैब. आफ्टर दैट व्हाट इज रिमेनिंग, द ग्रामरली, हाउ ग्रामरली कैन बी यूज. नाउ आई विल गो टू द जीमेल. ठीक है, उसके बाद में मैं टाइप करूंगा या फिर कंपोज करना चाहूंगा कोई जीमेल. ठीक, कंपोज पे मैं गया और मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ कुछ भी जीमेल. जीमेल लाइक सपोज दिस इज, सॉरी मैंने बांग्ला पे क्लिक किया है तो वो बांग्ला लैंग्वेज में ही क्लिक टाइप हो रहा है. सो आई विल चेंज इट टू द इंग्लिश. ओके, सो दिस इज टीचर. अभी टीचर की स्पेलिंग में गलत लिख दूंगा डेलिबरेटली. टीचर, तो देखिए टीचर ट्रेनिंग की भी स्पेलिंग में गलत लिख दूंगा. प्रोग्राम, तो प्रोग्राम में प्रोग्राम की भी मैं स्पेलिंग गलत लिख दूंगा. सॉरी, इतनी सारी गलतियां उसे मंजूर नहीं है. तो एक ही गलती देखिए, तो टीचर के लिए वो सजेस्ट करेगा कि आपको टीचर लिखना है या फिर देयर लिखना है. आई हैव ऑलरेडी एडेड दिस एक्सटेंशन, इस दैट्स व्हाई इट इज सजेस्टिंग मी. ठीक है, तो मैंने टीचर लिख दिया. दिस इज अ टीचर ट्रेनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम
ऑन अ लाइक से सन, ओके मैंने सन टाइप कर दिया, तो यहाँ पे गलत मुझे बता रहा है कि कुछ आपने गलत टाइप किया है। तो क्या गलत टाइप किया है, तो मैं यहाँ पे सन पे अगर क्लिक करूंगा तो ये कहना चाहता है कि सन को आप कैपिटलाइज कीजिए, तो मैंने यहाँ पे कैपिटलाइज किया। टीचर को भी ये कह रहा है कि टीचर नहीं चाहिए, सिर्फ अ टीचर होना चाहिए, दिस इज अ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, दिस दिस मतलब दिस इज टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो मैंने लिखा है वो गलत है, मुझे कैसे लिखना चाहिए दिस इज अ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो इसे इट इज सजेस्टिंग मैन, आई होप इट इज करेक्ट ऑल्सो, सो इट इज वेरी यूजफुल फॉर द ग्रामेटिकल करेक्शन। ठीक है, सो अभी 9:50 हो चुके हैं, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, और इन 10 मिनट्स में मैं आपको बताऊंगा कि आप ये जो एक्सटेंशन है, इतने अच्छे अच्छे एक्सटेंशन, इनको आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इनको डाउनलोड करना है तो फर्स्टली मुझे यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा इन सबको। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इनको पहले रिमूव कर दूंगा। आप इन तीनों एक्सटेंशन को प्लीज नोट कर लीजिए एक बार, सो दैट यू विल रिमेम्बर इट। द फर्स्ट वन इज गूगल इनपुट टूल्स, सेकेंड वन इज ग्रामरली फॉर क्रोम, एंड द थर्ड वन इज केमी एक्सटेंशन। आई होप यू हैव नोटेड ऑल दिस एक्सटेंशन, एंड आई एम गोइंग टू रिमूव देम वन बाय वन। सो इट इज आस्किंग मी, डू यू रियली वॉन्ट टू रिमूव दिस एक्सटेंशन, आई विल से रिमूव इट। ओके, आफ्टर दैट अभी बचे मेरे पास दो एक्सटेंशन, मैं मुझे यही पे एक्सटेंशन मिलेंगे, आप उसका लोकेशन आप ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, ग्रामरली भी मैं रिमूव कर दूंगा, रिमूव फ्रॉम क्रोम, रिमूव रिमूव, ये भी रिमूव हो गया। अभी मुझे वो फीडबैक पूछेगा, लेकिन मैं फीडबैक फिलहाल नहीं देना चाहूंगा। केमी को भी मैं रिमूव कर दूंगा, रिमूव फ्रॉम क्रोम। तो मेरे तीनों एक्सटेंशन अभी यहाँ से चले गए हैं, और वहां पे जो एक्सटेंशन का सिंबल था वो भी अभी चला गया है। अभी मुझे डाउनलोड करना है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल टाइप, सिंपली आई विल टाइप के मी एक्सटेंशन एक्सटेंशन, ठीक है, फॉर गूगल क्रोम, और क्रोम के मी एक्सटेंशन फॉर क्रोम मैंने टाइप कर दिया। मैम यू शुड टाइप KAMI, ओके KAMI, आई विल ट्राई टू जूम दिस स्क्रीन सो यू विल बी एबल टू सी, कैन यू सी नाउ, ओके KAMI नॉट KEMY, ओके सो लेट अस सी अभी किस तरह से इसे डाउनलोड करना है। वेरी सिंपल, पहली लिंक ओपन होगी उस पर क्लिक करो, ठीक है, यू विल जंप ऑन टू द पेज ऑफ दिस एक्सटेंशन, सिंपली यू हैव टू डू एड टू क्रोम। उसके बाद में पूछेगा आपको सच में इस एक्सटेंशन को ऐड करना है, तो मैं कहूंगा एड एक्सटेंशन, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इट इज एडेड, एज सिंपल एज दैट, मतलब बहुत ही ईजी है, इसमें कोई हैसल नहीं है, या फिर मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है कि किस तरह से ऐड किया जाए, कुछ नहीं। यहाँ पे जो आपको यहाँ पे पजल टाइप का एक दिख रहा है सिंबल, इसमें सारे एक्सटेंशन रहते हैं, तो इसमें जाके आप उसको पिन कर सकते हैं। पिन करना है यानी कि मुझे आई वांट टू यूज दिस एप्लीकेशन फ्रीक्वेंटली, और आई वांट टू यूज दिस एक्सटेंशन फ्रीक्वेंटली, सो प्लीज शो मी दिस एक्सटेंशन ऑल द टाइम, सो मैं आई विल पिन इट एंड देन इट विल स्टार्ट शोइंग राइट इन फ्रंट ऑफ दिस आइकॉन। ओके, तो यहाँ पर मुझे केमी दिखाई देने लगा है, अब मैंने इसको पिन किया है इसलिए यहाँ पे इसका आइकॉन दिखाई दे रहा है। तो मेरा फर्स्ट एक्सटेंशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन आई विल से, हैव बीन नाउ डाउनलोड। नाउ माई सेकेंड एक्सटेंशन इज गूगल इनपुट एक्सटेंशन फॉर क्रोम, ठीक है, सो गूगल इनपुट एक्सटेंशन फॉर क्रोम, ठीक है, तो उसके बाद में मैंने ओपन किया द फर्स्ट लिंक ओनली, फर्स्ट लिंक ओपन किया, तो ये पूछेगा डाउनलोड क्रोम एक्सटेंशन, तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया, वो मुझे फिर से दूसरे एक वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर रहा है, तो मैं वहां पे भी चला जाऊंगा, दिस इज फ्रॉम गूगल सो इट इज ट्रस्टेड। उसके बाद मैं ऐड टू क्रोम कर दूंगा, ये फिर से पूछेगा आप फिर से ऐड करना है, आई विल से यस ऐड, तो क्या होगा अभी वो चेक कर रहा है कुछ, तो ओके इट इज चेकिंग एंड इट हैज बीन नाउ एडेड, एज यू कैन सी इट हैज बीन एडेड। सो अब अभी देखिए यह जो मेरा एक्सटेंशन है कौन सा, गूगल इनपुट वाला, ये मैंने पिन नहीं किया इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ केमी दिखाई दे रहा है, तो मैं बोथ द एक्सटेंशन करेक्ट सी, तो अभी यह मतलब फ्रेश एक्सटेंशन है, इसमें मैंने कोई सेटिंग्स नहीं की है, सो यू हैव टू गो एंड मैन्युअली सेट विच लैंग्वेज यू वांट टू ट्रांसक्रिप्ट योर लाइक सेंटेंस इनटू, ठीक है, किस लैंग्वेज में आपको आपका सेंटेंस टाइप करना है, यू हैव टू सेलेक्ट, एंड दीज सेटिंग्स आर वेरी सिंपल, जस्ट क्लिक ऑन एक्सटेंशन ऑप्शन, सॉरी समथिंग एल्स हैज ओपन, आई डोंट नो वाई, सी
यह पेज आपके सामने खुलेगा और आपको सिर्फ लैंग्वेजेस सेलेक्ट करनी है कि आपको कौन सी लैंग्वेज चाहिए। मान लीजिए कि आपको चाहिए मतलब ज्यादातर दो ही लैंग्वेज या फिर तीन लैंग्वेज की हमें जरूरत पड़ सकती है, दैट इज द फर्स्ट वन इज इंग्लिश, एड दिस इंग्लिश, एडेड। उसके बाद में गुजराती भी कर सकते हैं, सो एडेड गुजराती ऑल्सो। उसके बाद में हिंदी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में मान लीजिए मराठी दिखाई देगा यहाँ पे कुछ नीचे जाके, सो मराठी भी मैंने ऐड कर लिया है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी ऐड ऑल द लैंग्वेजेस। तो देखिए यहाँ पे जो पेंसिल का बटन दिखा रहा है, दैट इज इट मीन्स यू आर टाइपिंग फ्रॉम दैट लैंग्वेज, ठीक है। तो मुझे यह नहीं करना है, मुझे ये वाला मराठी ऐड करना है जिसपे कि एम का म का सिंबल है, ठीक है। मतलब कि मुझे मराठी में टाइपिंग चाहिए, मैं मराठी से टाइप नहीं कर रहा हूँ। पेन मतलब मराठी से टाइप करना, और यहाँ पे जो लेटर दिखा रहा है मतलब मराठी में टाइप करना, ठीक है। सो आई विल रिमूव दिस, आई नीड टू रिमूव दिस, ठीक है। इंग्लिश भी सिमिलर रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ये चार लैंग्वेज सिलेक्ट कर दी, मैं इसको डायरेक्टली बंद कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो ये सारी लैंग्वेजेस अभी ऐड हो गई है। आपको जैसे ही आप इस एक्सटेंशन पे क्लिक करोगे तो आपको ये एक्सटेंशन में ये लैंग्वेजेस दिखाई देने लग जाएंगे, ठीक है। अभी देखते हैं हमारी गुजराती काम कर रही है फिर नहीं। तो मैं फिर से केमी ओपन करूंगा, ब्लैंक पेज ओपन करूंगा, ठीक है। कर दिया मैंने ब्लैंक पेज ओपन, और मैं टेक्स्ट बॉक्स ऐड करूंगा, कर दिया मैंने टेक्स्ट बॉक्स भी ओपन। और अभी मैं टाइप करूंगा कि शिक्षक, टाइप करूंगा फिर से गुजराती में, देखिए शिक्षक। आई होप दिस इज करेक्ट इन गुजराती, ठीक है। सो दिस हैज बीन टाइप्ड इन द गुजराती एज वेल, ओके। एंड नाउ द लास्ट एक्शन, लास्ट एक्सटेंशन, दैट इज ग्रामरली, ग्रामरली एक्सटेंशन। आपको कोई भी एक्सटेंशन डाउनलोड करना है ना, तो आपने क्या करना है कि उस एक्सटेंशन का नाम लिखना है, उसके बाद में टाइप करना है कि एक्सटेंशन फॉर क्रोम, एक्सटेंशन फॉर क्रोम। तो क्या होगा कि आपका इजीली सर्च हो जाएगा, वो ज्यादा आपको हैसल नहीं होगा, ज्यादा परेशानी नहीं होगा, ठीक है। सो आई विल क्लिक ऑन दिस, नाउ आई हैव लैंडेड ऑन द पेज from where I can download that particular extension. So I will just simply add this extension and it will be added in few seconds. Let us see. Oh, it's taking bit of a time because its size is enough, big enough, I think. It is downloading here, as you can see in the bottom. It is downloading. It is the bigger extension, so it is taking little bit of time. Oh, it has been added now. Okay. See, it is now visible to us here. Let us see. I will pin this as well. Okay. So these three extensions किस तरह से डाउनलोड करना है ये भी मैंने आपको बता दिया, और उसके बाद में इनको डाउनलोड कैसे करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो एक और बात मैं जो आपको बताना चाहूंगा कि हम जितने भी एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, तो इन सारे एप्लीकेशंस के लिए वी हैव लॉट्स ऑफ एंड लॉट्स ऑफ एक्सटेंशंस, मतलब बहुत बहुत ही ज्यादा एक्सटेंशंस है कि हम सोच भी नहीं सकते, या फिर हमें मतलब समझ में नहीं आएगा कि हम कौन सा एक्सटेंशन डाउनलोड करें, ये एक्सटेंशन डाउनलोड करें या फिर वो या फिर कौन सा। तो यहाँ पे एक एक्सटेंशन का पूरा एक स्टोर ही है इनका, गूगल क्रोम का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिटमोजी है, स्क्रीनकास्टिफाई है, जूम है, हैंगआउट्स है, बहुत 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 सारे एक्सटेंशन है, और इनके अलग अलग इस्तेमाल है, ठीक है। तो जैसे कि कोई मैम का एक क्वेश्चन था कि हम टेस्ट मतलब टाइम पे शेड्यूल कैसे कर सकते, तो उसका भी एक एक्सटेंशन है। मान लीजिए कि आपके स्टूडेंट ने टेस्ट सबमिट कर दी, तो आपको उसका नोटिफिकेशन चाहिए बाय SMS, तो उसका भी एक एक्सटेंशन है। मान लीजिए कि आपको आपका गूगल फॉर्म है उसका एक एप्लीकेशन बनाना है, तो उसका भी एक एक्सटेंशन है। सो देर आर लॉट्स ऑफ एक्सटेंशन। सो देखिए हम मतलब सारे एक्सटेंशन तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन जो बेसिक एक्सटेंशन है वी आर गोइंग टू कवर दैट। अभी आने वाले सेशन में जो है हमारा बचा है गूगल ड्राइव, करेक्ट, गूगल ड्राइव है। उसके बाद में लेट मी चेक, उसके बाद में हमारा वेबएक्स बचा है, गो टू मीटिंग, जियो मीट बचा है, इसके बाद में हमारा बचा है लेट मी सी सॉरी उसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा बचा है गूगल फॉर्म्स, ठीक है, जो कि बहुत लंबा टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो वी वॉन्ट टू टेक दैट इन डिटेल एंड वी विल टेक इट फॉर श्योर। Okay, somebody has some query. When we download all this, then there is any possibility of making the system slow? Not at all, ma'am. There is no possibility of making the system slower. देखिए मैं यहाँ पे आपको यह एक बात रिकमेंड करना चाहूंगा कि केमी तो मैं पिछले तीन महीने से यूज कर रहा हूँ, सो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है।
उसके बाद में रही बात गूगल इनपुट टूल्स की, तो दैट इज प्रोवाइडेड बाय गूगल, सो इट इज 100% सेफ उसके बाद में। ग्रामरली भी इज ऑल्सो अ ट्रस्टेड एक्सटेंशन, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि इन ये जो एक्सटेंशन स्टोर है इसमें कुछ मैलिशियस एक्सटेंशन हो सकते हैं, तो जिनकी जरूरत है सिर्फ, या फिर वो ट्रस्टेड सोर्स से है तो वैसे ही हमें उसका यूज करना है। लाइक एप्लीकेशन यूज इन मोबाइल, वी डोंट यूज रैंडम एप्लीकेशंस, करेक्ट, वी यूज द एप्लीकेशंस फ्रॉम ट्रस्टेड डेवलपर। सो दैट्स हाउ, मतलब वही प्रिंसिपल हमें यहाँ पे भी यूज करना है कि हमें देखना है कि वो उसका डेवलपर कौन है, सो दैट इट विल नॉट मेक आवर सिस्टम स्लोअर एज वेल एज इट विल नॉट एक्सेस आवर एनी काइंड ऑफ अ पर्सनल फाइल्स, और इट विल नॉट पुट वायरस इन आवर डिवाइस। ओके, सो दिस इज डिपेंड्स ऑन द डेवलपर। ओके, सो आई थिंक देर आर लॉट्स ऑफ एक्सटेंशन फॉर, आई वॉज टॉकिंग अबाउट गूगल फॉर्म, तो उसमें जितने इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन मुझे लगेंगे या फिर जितने आप लोग सजेस्ट करेंगे सर हमें इस चीज के लिए एक एक्सटेंशन आप प्लीज सर्च कीजिए और हमें इसके बारे में बताइए, तो मैं उनके बारे उसके लिए सर्च करूंगा और आपको बताऊंगा। सो यू हैव टू प्रोवाइड ऑल दिस योर रिक्वायरमेंट्स इन योर गूगल, सॉरी इन द फीडबैक फॉर्म, ठीक है। सो आई होप मेरा आवाज आपको थ्रू आउट द सेशन अच्छे से आया है, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। ओके, थैंक यू सो मच, एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। So I will provide you the feedback form link and attendance form link. Please fill it and please put all your doubts there. We will try to clear each and every doubt. Okay. So thank you so much for today. Thank you so much for joining, and I declare it as a the class has been or the class is over. Okay. So bye bye everyone. Now you can leave the meeting. Thank you.